हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरिमीटर्स ऑफ नंबर 1 ट्रायंगल एबीई, 2 द रेक्टेंगल बीसीडीई इज, और इन दिस फिगर हुज पेरिमीटर इज ग्रेटर, और साथ में ये बताना है किसका पेरिमीटर ग्रेटर है। फिगर हमारे पास गिवन है, ए बी ई ट्रायंगल एंड बी सी डी ई रेक्टेंगल, तो वन बाय वन दोनों का पेरिमीटर हम फाइंड करेंगे, और साथ में ये भी बताना है कि दोनों में से किसका ग्रेटर पेरिमीटर है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, क्या फॉर्मूला होता है? पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, इट मीन्स ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी 5/2 प्लस वैल्यू ऑफ बी ई, अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 2 8, 8 + 3 11, 11/4 प्लस, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में ए की वैल्यू 3 3/5, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 = 15, 15 में 3 ऐड करेंगे, 18/5। अब इस केस में क्या लेंगे हम? एलसीएम, डिनोमिनेटर हमारे पास 2 4 5 2 4 5 का हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर 2 4 5, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 2 5, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 5, अब 5 का तो 5 से ही डिवाइड होगा 1 1 1, इसके एलसीएम आएगा 5 2 10, 10 2 20, 20 एलसीएम लेंगे हम। ट्वेंटी में 2 का डिवाइड करेंगे 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, 20 में 4 का डिवाइड करेंगे 4 5 = 20, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 50 + 55 + 72, प्लस करके देखेंगे 7 7, आ जाएगा हमारे पास 177/20, 177 में 20 का डिवाइड करेंगे, 177 8 टाइम्स 160, 7 1 70 बचेगा, तो रिमाइंडर, और किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 20, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में 8 17/20। आप डेसिमल भी फाइंड कर सकते हो इसका आंसर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी इज 8 17/20 cm, इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। अब ऐसे ही हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट लेंथ + ब्रेथ, 2 ब्रैकेट L + B मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें 2 ब्रैकेट, अब देखिए ये लेंथ है हमारे पास, तो लेंथ हमारे पास ये गिवन है, तो अपोजिट्स
साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, जब ये 2 3/4 है तो ये भी क्या हो जाएगी 2 3/4 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये 7/6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7/6 सेंटीमीटर, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। वैल्यूज पुट करेंगे, ये लेंथ और ये ब्रेथ, 2 3/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 ब्रैकेट 4 2 8 8 प्लस 3 11 11/4 प्लस 7/6 2। एलसीएम लेंगे 4 और 6 का, देखिए साइड में 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2 3 अगेन 2 से 1 times 3 times फिर 3 से 1 times 1 times 2 2 4 4 3 12 12 एलसीएम। 12 में 4 का डिवाइड करेंगे 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 प्लस 12 में 6 का डिवाइड करेंगे हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 जाएगा हमारे पास 33 प्लस 14 ऐड करेंगे 4 प्लस 3 7 3 प्लस 1 4 47/12। अब देखिए 2 और 12 कैंसिल हो सकता है 2 1 2 2 6 12 हियर 47/6। अब 47 में 6 का डिवाइड करते हैं 6 7 42 5 बचेगा रिमाइंडर तो 5 को यहाँ नोट कर देते हैं 6 तो यह आएगा हमारे पास 7 मिक्स फ्रैक्शन का आंसर। आप चाहो तो डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हो, ये किसमें सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 7 5/6 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड हुआ वो 8 17/20 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ये ग्रेटर है, तो लिखेंगे हैंस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। Let it answer.